आप लोग सेंटर गवर्नमेंट महाराष्ट्र पे राष्ट्रपति शासन लागवन करके केंद्र ने उसको ओवर रूल करके महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को महाराष्ट्र के लोगों को बचाने का काम ये केंद्र करी। अरे घरात बसून कोणाला जबाबदारी चा अनुभव येत नाही कि जिस हिसाब से शरद पवार साहब 80 साल के होने के बावजूद पूरे पूरे गाँव में और पूरे जिलों में महाराष्ट्र में घूमते हैं, अरे ये यंग सीएम होने के बावजूद एक भी जिले जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये कोरोना कंट्रोल से बाहर हो गया है उसके लिए मैं आपसे मांग करूंगी कि आप लोग सेंटर गवर्नमेंट महाराष्ट्र पे राष्ट्रपति शासन लागवन करके केंद्र ने उसको ओवर रूल करके महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को महाराष्ट्र के लोगों को बचाने का काम ये केंद्र करे। मैं आपसे दिल से विनंती करती हूँ, लास्ट वन मिनट। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि माझा गाँव माझी जवाबदारी, ये मेरा गांव और मेरी जवाबदारी है। महाराष्ट्र के हमारे सीएम वो घर में बैठकर अपनी सीट पे बैठकर चेयर पे बैठकर अपनी जवाबदारी दिखा रहे हैं, पर मुझे उनसे एक प्रश्न करना है कि आप कब बोलेंगे कि माझा महाराष्ट्र माझी जवाबदारी। अरे घरात बसून कोणाला जवाबदारी चा अनुभव येत नाही। जर अनुभव एक मिनट से लास्ट का बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस हिसाब से शरद पवार साहब 80 साल के होने के बावजूद पूरे पूरे गांव में और पूरे जिलों में महाराष्ट्र में घूमते हैं, अरे ये यंग सीएम होने के बावजूद एक भी जिले में जाकर इन्होंने महाराष्ट्र मध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार आहे त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेना आहे म्हणून ते सिलेक्टिव सदस्यांना अशा पद्धतीने नोटीस पाठवली ते मला आधी एवढं वाटतं। इलेक्शन कमिशनच्या सांगण्यावरून इन्कम टॅक्सने ही नोटीस दिलेली आहे असं त्या नोटीसमध्ये लिहिले। तुम्ही सोशल डिस्टन्स पाळत नाही त्यामुळे तुम्हाला एखादा दंड मिळेल।